हटेंगे के नारे का विरोध कर रहा है? कमलाकर त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। देखिए नाविका जी, एक अदम गोड़वी साहब का एक शेर कहना चाहूंगा और उसी के माध्यम से बीजेपी, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी और आपसे भी ये गुजारिश करना चाहूंगा कि हिंदू और मुसलमान के जज्बात को मत छेड़िए और अपनी कुर्सी के लिए एहसासात को मत छेड़िए, एक जंग छेड़िए बेरोजगारी, महिला अपमान, महिला सुरक्षा के खिलाफ, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। बेसिक चीज ये है, ये सरकार हर मोर्चे पर विफल है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, इवन फॉरेन पॉलिसी में आप टूट चुके हैं, कनाडा आपको वो कर रहा है, अमेरिका आपको कर रहा है, इवन आप अपने अगल बगल जो सारे देश घिरे हुए हैं, मालदीव जैसा छोटा देश वो तक आपको जो है वो अपनी सेनाएं हटाने की बात करता है और धमकी देता है, नेपाल ने अभी अपना नक्शा बदल दिया करेंसी पर और आप जो है वो कटघरे में खड़े हैं, चीन पिछले 4 सालों से आप आज तक सीमा का विवाद जो है वो नहीं हल कर पाए, चीन इन्फिल्ट्रेट कर चुका है और आप पूरे देश में झूठ बोलते हैं, पार्लियामेंट में झूठ बोलते हैं, ना कोई घुसा है ना घुसेगा, आप हर मोर्चे पर विफल हैं और इसीलिए कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पूरे देश के एकीकरण की बात करती है, हर उस व्यक्ति के हर हाथ तरक्की, हर हाथ रोजगार की बात करती है और हम इसी बहुत अच्छी बात है, इसीलिए तीसरी बार भी विपक्ष में बैठे हैं। लेकिन करण वर्मा जी, करण वर्मा जी इतने विफल है अगर बीजेपी की सरकार, तो फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी हम कब थे, टॉप 5 में कब आए? IMF ने कहा है ना 2025 में हम चौथे नंबर की इकोनॉमी हो जाएंगे, ये सब कैसे हो गया? कांग्रेस ने बता दीजिए तो देश के 80 करोड़ लोगों को आपको खाना क्यों देना पड़ रहा है? देखिए नाविका जी, दिक्कत की बात ये है, एक सेकंड भाई बोलने दीजिए भाई, नाविका जी दिक्कत ये हो गई है कि विपक्ष ने पढ़ना लिखना पूरी तरह छोड़ दिया है। मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो महंगाई महंगाई कर रहे हैं, 3.65 कई वर्षों की लोएस्ट पिछले महीने के इन्फ्लेशन का आंकड़ा है और बेरोजगारी दर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के तहत 3.1% है। आप पढ़ते लिखते नहीं है मुझे पता है बात, पढ़ लिख के अगर आएंगे तो आप जानेंगे कि रिकॉर्ड कई सालों का न्यूनतम स्तर पे है महंगाई भी और बेरोजगारी भी। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात देखिए, अब ये बोलते रहेंगे, जब झूठ पकड़ा गया है तो इनको मिर्चा लग रही है, जाके गूगल करिए, फोन होगा आपके पास, गूगल करके पढ़िए जरा क्या है इस समय महंगाई दर और अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। दूसरी बात, जब ये वोट जिहाद की बात करें नाविका जी, तो क्या वो एकता का संदेश है? जब मुजफ्फरनगर दंगों में समाजवादी पार्टी ऑर्डर निकाल के कहती है नाविका जी कि केवल मुसलमानों को मुआवजा मिलेगा, डिबेट खराब करिए, अगर ये कहते हैं कि वोट जिहाद होगा तो वो क्या एकता का संदेश है? और जब इनकी ये, मुझे ये बताइए, नसरल्ला तक क्यों एकता झूठते हैं, गाजा तक क्यों चले जाती है प्रियंका वाड्रा? प्रियंका वाड्रा का दिल गाजा के लिए क्यों धड़कता है भाई? गाजा और नसरल्ला की बात करेंगे, लेकिन जब कनाडा में हिंदुओं पर अत्याचार होगा तो चुप्पी, सर्जिकल स्ट्राइक होंगे तो ये कहेंगे कि सबूत कहां पर है? जनता सब देख रही है, सब समझ रही है। संजय मिश्रा का भदोही उत्तर प्रदेश से सवाल है, लोकसभा चुनाव के समय संविधान आरक्षण के इर्द गिर्द इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को घुमाया था, क्या अब योगी जी बटेंगे तो कटेंगे के इर्द गिर्द इंडिया गठबंधन को घुमा रहे हैं? संजय प्रजापति मुंबई से पूछ रहे हैं, अगर वोट जिहाद करके कौमी एकता की बात हो सकती है तो बटेंगे तो कटेंगे से हिंदू एकता की बात क्यों नहीं हो सकती? विवेक श्रीवास्तव जी जवाब देखिए, दोनों चीजों के फर्क को समझिए। माइनॉरिटीज जब एक नारा देती हैं तो अपनी सुरक्षा के लिए देती हैं, जब खड़े होकर के केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार जो कम्युनल है, जिसका सिर्फ एक ही एजेंडा है और वो है कि माइनॉरिटीज को कहीं ना कहीं से दबाया जाए, जो हो रहा है, सेकंड ग्रेड सिटीजनशिप की तरह आप बढ़ रहे हैं, और मैं खुले में बोलने वाला आदमी, मैं डिप्लोमेटिक बात नहीं करता, आप हजार तरह के बिल आप लाए, लव जिहाद, CANRC, हर तरह की चीजें आप लोग लाए, डेमोग्राफिक चेंज हो रही है, आपके आसाम के मुख्यमंत्री ने जो ड्रामे करे हैं पूरे देश ने देखे हैं, और अंत में हुआ क्या है, हिंदू समाज का मुंह काला किया गया है जिसको पूरा विश्व देख रहा है, यह है आपकी उपलब्धि।
आपकी उपलब्धि यह है कि आज हर देश में वेस्टर्न वर्ल्ड में चाहे कहीं और हम लोगों को बोला जाता है कि हम फनाटिक्स हैं जो अपने ही देश के माइनॉरिटीज के खिलाफ हैं और वहां उसके रिएक्शन रिटेलिएशन हो रहे हैं। आप ही बोल रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं मुसलमानों को दबाया जाता है, आप खुले में बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं आप डरते भी नहीं किसी से। सिद्धार्थ यादव जी, आप किसको डराने निकले थे, क्योंकि यहाँ कोई डर ही नहीं रहा आपसे। देखिए नविका जी, आज आपके शो पर दो नई परिभाषाएं आई। पहली परिभाषा है कि अगर वोट जिहाद का नारा दिया जाएगा, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, सुन लीजिए, अभी आपकी डिबेट पर एक दिया गया कि अगर वोट जिहाद कहा जाएगा इस देश के अंदर तो वो तो माइनॉरिटी एकता अपनी रक्षा के लिए कहेगी, बहुत अच्छा काम कहेगी, वोट जिहाद करिए, क्योंकि माइनॉरिटी तो कह सकती है, क्योंकि माइनॉरिटी डरी हुई है, डराया हुआ है विवेक श्रीवास्तव जी ने, और विवेक श्रीवास्तव जी जैसे लोग डराते जाएंगे, वोट जिहाद का नारा दिया जाएगा, कहानी आगे बढ़ेगी। दूसरी बात, अभी दूसरी बात कही गई कि जो हिंदू मुस्लिम एकता है या जो सामाजिक सौहार्द की एकता है वो मात्र तब हो सकती है जब हिंदुओं को गाली दी जाएगी। यही तो कहा आपने, आप हिंदुओं को तो कहेंगे कि रामनवमी ममता जी ने कहेंगी कम्युनल है, पर ईद जो है वो बड़ा सेक्युलर है, फेस्टिवल है। जब राम जब 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 अलग अलग राज्यों में अभी रामनवमी में देश के अंदर अलग अलग यात्राओं पर वो हमले हुए, पत्थर चले, हमले नहीं हुए हैं, लोग तमाशा के ताली बजाते रहे, मुंह जमा करके बैठे रहे और आप लोग वहां खड़े होकर के उसमें आनंद लेते रहे, क्योंकि ये तो सामाजिक सौहार्द की बात है, ये तो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट बात है। तो दो नई परिभाषाएं आई है नविका जी, और इन परिभाषाओं को देश को समझना चाहिए। ये लोग नफरत की बिल्कुल, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, सब समझती है, तभी हर चुनाव में फैसला जो करती है बड़ी बड़ी सफाई से और बड़ी जिम्मेदारी से करती है, और ये सबने देखा है। चाहे ये ईवीएम को दोष दें, किसी को दोष दें, पब्लिक अपना फैसला सही करती है। रेवंत राम बिश्नोई का व्हाट्सएप पर सवाल है, बटेंगे तो कटेंगे में किसी समुदाय का नाम तो है नहीं, सबको एक होने को कहा जा रहा है, फिर विपक्ष इसमें हिंदू मुसलमान क्यों कर रहा है। अंजनी कुमार शर्मा का इंदौर से सवाल है, कमलाकर त्रिपाठी जी शायद आपके अध्यक्ष 1984 को भूल गए, उस समय किसको बांटा गया था और किसको काटा गया था। कमलाकर त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। हम गुजरात का 2002 भी नहीं बोले भूले हैं नाविका जी, और इस देश में पार्लियामेंट के अंदर जिस प्रकार से फेलो पार्लियामेंटेरियन को कटुआ और मुल्ला और क्या क्या कहा गया वो भी नहीं भूले हैं। नेशनल टेलीविजन पर इस तरह की बात ना करें, के लिए ये आपको खत्म कर देगा, और ये सब एक्सपंज हो चुका है, शो कॉज नोटिस जा चुका है, आप नेशनल टेलीविजन पर दोहरा रहे हैं, गलती आप कर रहे हैं ऐसी चीजें कह के। आपकी क्या मंशा है मैं नहीं जानती, 1984 से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको कुछ याद नहीं है, सारी दुनिया जो शुरू हुई थी वो 2002 से ही शुरू हुई थी, चाहे उसमें सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गए, लेकिन वहां पर आप सवाल उठाते रहेंगे, 1984 की एक बात आपको याद नहीं रहेगी। अशरफ अली का अनूपपुर मध्य प्रदेश सवाल है, तो ये बीजेपी का सबका साथ सबका विकास का नारा बटेंगे तो कटेंगे में कैसे बदल गया, सवाल तो बीजेपी से पूछा ही जाएगा। सिद्धार्थ यादव जी जवाब दीजिए। देखिए नाविका जी, हमने नारा दिया एकता के लिए, हमने नारा दिया ताकि भ्रम फैलाने वाले भ्रम ना फैला सके, हमने नारा दिया ताकि ये देश और समाज में जो ताकतें लगी हुई हैं देश और समाज को तोड़ने के लिए, अपने फायदों के लिए, लोग इनसे भ्रमित ना हो। लोग भ्रमित नहीं हो रहे हैं, लोग जाग चुके हैं, तभी इस देश के अंदर इतिहास रचते हुए तीसरी बार हमने सरकार बनाई, तभी इतिहास रचते हुए हरियाणा में ऐतिहासिक परिणाम निकल कर आया। इनकी बातें इनकी राजनीति, इनकी कहानी अब खत्म हो चुकी है, और आज सच्चाई का सामना, मैं नविका जी बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, जिस समाज ने सच्चाई का सामना नहीं करा उस समाज को बहुत अत्याचारों को झेलना पड़ा है। सच्चाई समाज की ऐसी ताकतों के सामने रखना बहुत जरूरी है, और इसीलिए सच्चाई को सामने विचार सामने आ चुका। आपको इतना दर्द होता है लगातार बीच में बोलते हैं, अपनी बारी में भी बोलेंगे, दूसरों में भी बोलेंगे, आईआईटी की छात्रा के साथ आप, और वो एक आपके लिए नया नारा देना पड़ेगा, उसके चुप रहिए, सुना भी करिए, ये नारा देना पड़ेगा आपके लिए।
करण वर्मा जी, करण वर्मा जी सिर्फ जनता एक सवाल